बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ये आप ही का चैनल है और आप ही का प्लेटफॉर्म है और आप ही की सपोर्ट की वजह से चल रहा है। जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। आज इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को तोशाखाना नैब रेफरेंस, यानी एक तो वो तोशाखाना का केस था, ये मैं अपने व्यूअर्स की वजाहत के लिए बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था, जिसमें इमरान खान साहब को मिस डिक्लेरेशन के ऊपर, यानी चीज़ें ना जाहिर करने के ऊपर, तहफ ना जाहिर करने के ऊपर उनको सजा दी गई थी करप्ट प्रैक्टिसेस के एक्ट के अंडर, और उनको नाअहल किया गया था। वो नाअहल हुए और सजा हुई 3 साल की, जो कि सस्पेंड हो चुकी है, और इमरान खान साहब को उस केस में सस्पेंशन भी है और बेल भी हो चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब तहवील में थे क्योंकि साइफर का ट्रायल जाना था, साइफर में बेल होगी तो और मुकदमात में, नैब के केसेस में, इस केस में वो अदालती तहवील में थे और जुडिशल कस्टडी के अंदर थे, जेल के अंदर। इमरान खान साहब को इस केस में सजा सुना दी गई है साइफर केस के बाद। आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 14-14 साल कैद बा मुशक्कत की, यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, और जो उनको जुर्माना किया गया है वो 78 करोड़ रुपए और कुछ लाख रुपए हैं, और ये दोनों को मिला के तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपए से ऊपर की रकम बनती है, जिनके हवाले से उन्हें यहाँ पर बाकायदा तौर पर सज़ा सुनाई गई एहतसाब अदालत ने। अब ज़रा पहले बात कर ली जाए कि वो इल्ज़ामात बेसिकली क्या थे। तहकीकात जो हुई हैं, जो हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं, ये जो नैब की तरफ से जो फैक्ट्स दिए गए थे, जिनमें से बताया गया कि 108 के करीब तहाइफ उन्होंने वसूल किए इमरान खान साहब की अहलिया ने, और जिनमें से 58 तहाइफ की मालियत, जिनकी मालियत तकरीबन 1,42,12,03,100 रुपये बनती है, इनको अपनी तहवील में रखा है। 58 तहाइफ में से 14 गिफ्ट्स सेट्स जिनकी मालियत 3,80,77,050 रुपए थी। अब ये मुख्तलिफ नंबर ऑफ गिफ्ट्स टोटल बताए गए और उनकी मालियत बताई गई। अब इशू मेन है क्या? इशू मेन ये है कि जी, एक तो वो केस था जो इलेक्शन कमीशन के सामने था, वो मिस डिक्लेरेशन का था। यहाँ क्या केस है? यहाँ इशू ये था कि इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद गिफ्ट्स ऐसे थे जो के लिए, और उनकी अंडर इन्वॉइसिंग की। अंडर इन्वॉइसिंग क्या होती है कि वैसे तो होता है कि आप इंडिपेंडेंटली अगर किसी मौजम मुल्क में जाएं तो आप इंडिपेंडेंटली लोगों को एवेल्यूएट करते हैं। अगर ये गिफ्ट है तो उसका एवेल्यूएशन कमेटी एक बैठती है, वो मार्केट से भी लोग होते हैं। वैसे तो ये हमारे मुल्क में ये हुकूमत ये काम कर रही होती है, लेकिन ये काम दुरुस्त नहीं होता, उसमें हेरा फेरी डंडी सब कुछ मारी जाती है। मार्केट एवेल्यूएशन तभी होती है जब हम मार्केट से किसी चीज़ को एवेल्यूएट करवाएं, और इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद गिफ्ट्स ऐसे थे, और फिर ये ग्राफ का एक सेट था जिसके बारे में, वो घड़ी का बड़ा आया जिसके ऊपर खाना काबा अंदर बना हुआ है और वो सारा कुछ है, और वो रॉयल गिफ्ट था, और इमरान खान साहब ने वो $2 मिलियन की बेची बुशरा बीबी फरा गोगी साहिबा की मदद से, और वो दुबई के एक बिजनेसमैन उमर फारूक साहब, उन्होंने बताया कि ये तो इस तरह आई है और ये दुबई में बेची गई है, और जो रसीद इमरान खान साहब ने तरफ से दी गई वो कुल इस्लामाबाद का कोई एक दुकान थी जिसकी बिल्कुल ये वर्थ नहीं थी कि वो इतने महंगे घड़ियों के अंदर वो डील करें। अब इशू मेन है क्या? इशू मेन ये है कि इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद गिफ्ट लिए। ये मैं पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो अल्लाह ने इज़्ज़त इमरान खान को दी हुई थी और जितने जिस मनसब पे वो थे, बाकियों ने भी, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुझे मायूसी हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब है, अगर कोई जरदारी साहब का है या गिलानी साहब है, कोई भी, ये इतने साहिब हैसियत लोग थे कि इनका बनता ही नहीं था किसी से गिफ्ट लेना, कोई गाड़ी लेना, कोई कुछ करना। लेकिन इमरान खान के, अब क्योंकि हमारे सामने ये केस है, इमरान खान साहब को अगर आप देखें ना, तो इन्होंने जैसे ही वज़ीर आज़म बने, महीने बाद, शायद इनका एक महीने डेढ़ बाद कोई इस तरह 2018 में ही, मुझे एग्जैक्टली वो दिन महीना याद नहीं, इनका दौरा था, वो अगर आप डिटेल देखें, पहले दौरे में ही आके इन्होंने घड़ियाँ बेचनी शुरू कर दी, और घड़ियाँ अब आ रही हैं, ये चीज़ें बिक रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब कोई आंखों की भूख इतनी ज़्यादा थी। मैं नहीं कहता कि वो इमरान खान, चले जी उनकी अहलिया है, जो कुछ भी था, इमरान खान साहब की नाक के नीचे हो रहा था जो कुछ भी था, तो अल्लाह इन पे, अल्लाह इन सब पे करम करे भी यार, अल्लाह के फजलों में हो, 300-300 कनाल के घरों में रहते हैं आप, अल्लाह के इतना करम, इतना फजल, तो ये आपको घड़ियाँ बेचने का क्या शौक़ था? बल्कि आप तो अगर आए थे रियासत मदीना के सतूर के ऊपर एक रियासत बनाने के लिए और बिल्कुल सब कुछ करने के लिए, तो फिर आपको तो ये चाहिए था कि यार ये स्टेट गिफ्ट्स हैं, ठीक है, इनको मार्केट में ये नीलाम होंगे, इंडिपेंडेंट बिडिंग होगी इसके ऊपर, मॉनिटर होंगे, और जो पैसा आएगा वो या खूबती खजाने में जाएगा या इन इनकामों पे हकूमत खर्च करेगी पब्लिक आवाम के लिए। तो चले बात भी होती, लोग मिसाल देते कि ये काम है,
अगर आपने गिफ्ट, कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो कि रियासत टू रियासत जा रहे होते हैं, वो किसी फर्द के नहीं होते, वो रियासत को फिर उनको शोकेस करके रखना होता है कि जी हमें ये फरानी रियासत ने दोस्त मुल्क ने दिए थे, हम प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे उस पर। मैं समझता हूँ किसी का हक होना ही नहीं चाहिए। अब तो खैर रूल्स बहुत तब्दील हो गए। अब इशू मेन है क्या कि ये काम इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने सब कुछ किया, फिर वो अब ये ग्राफ का सेट और ये सारा कुछ। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये हमारे तरीके इंसाफ के जो कई दोस्त हैं उनको स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलना चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि जी बड़ी साफ शफाफ, बड़े जी पाकबाज और कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, हर किसी ने मतलब इमरान खान साहब के दौर में दिहाड़ियाँ तो आप छोड़ ही देना, जो दिहाड़ी लगाई जाती थी यहाँ पंजाब के अंदर, मैं आपको ये तक बता दूं कि जो बाद में इमरान खान साहब के वज़ीर आला रहे यानी चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मोनस इलाही साहब, उनका बड़ा आज वो इमरान खान साहब के साथ उनका ताल्लुक है, अगर आप उनसे कभी पूछें और वो ऑफ द रिकॉर्ड बताएं तो लूट मची हुई थी और सब कुछ मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के ज़ेरे निगरानी हो रहा होता था। जो दिहाड़ियाँ लग रही हैं पंजाब में, जो कुछ हो रहा है, फराह जमील, फराह गुजर साहिबा, उनकी कितनी इंग्रेस थी, किस तरह वो सारे पैसे बनवा रही थी, सारा कुछ कर रही थी, तो हर एक को पता है कि ये क्या हो रहा था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं नहीं जी बुशरा बीबी ने ये किया, इमरान खान साहब ने। नहीं भाई, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप अपनी बेगम को अलाउ कर रहे हैं तो वो ये सब कुछ कर रही हैं। फिर वो जो ऑडियो है जिसमें वो वज़ीर आज़म हाउस के अमले के साथ उलझ रही हैं, और वो ऑडियो जरा आप सुनिए। खींच के भेजो मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींचे थे उसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींच, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मुझे, मैंने नहीं कहा था दीदी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने नाम को भेजी है? वो कह रहे हैं मुझे नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींच, किसने, क्यों, कौन, क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों, आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है बीबी? हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? हमें नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वही रहो जहाँ तुम बैठे हो। ठीक है, अब ये ऑडियो सुनने के बाद आपको क्या लगता है? वो कहती नहीं तोहफे आए हैं तुमने तस्वीरें क्यों ली है, वो हमारे घर के अंदर आए हैं तुमने तस्वीरें क्यों ली है फलान। अरे यार, आप मुल्क की वज़ीर आला फर्स्ट लेडी हैं, आपका क्या तुक बनता है? इतना आपका कीन इंटरेस्ट है मुझे फलाने वज़ीर आज़म मेरे खावत को तोहफा मिला है, फलाना मिला है, ये मिला है, ये क्यों होना चाहिए? ये मैं समझता हूँ जितने भी ये हमारे वज़रा आज़म हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनको तो कोसों दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से कि भाई ये मनसब नहीं है। अल्लाह ने इज्जत ही इतनी दे दी है कि वज़ीर आज़म बन गए और उनकी फिर फैमिलियाँ कह रही हैं कि हमारा, मैं कोई औरत कह रही है मेरा खावंद वज़ीर आज़म है, कोई और कह रहा है कि हमारा भाई वज़ीर आज़म है, बेटी कह रही है मेरे वालिद वज़ीर आज़म है, बेटा कह रहा है मेरे वालिद वज़ीर आज़म है। तो अल्लाह का इसी पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाज दिया है। ये तोहफों गिफ्ट इन चक्करों में क्या पड़ रहे हैं हम जैसे गरीब लोगों को? तो चलो शायद हो कि जी ओ जी बड़ी बात है जी अरब रुपये की घड़ी देख ली तो राले टपक गई और पागल हो गए देख के, लेकिन जब अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी, आप अपने मुल्क को नवाज रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नवाज नहीं मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका नाम अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तो आप इन चक्रों में किधर पड़ गए हैं? ये कौन सी भूख है जो ख़त्म नहीं हो रही? अब आप अंदाज़ा करें, अब ये फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुआ, सज़ा हो गई, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, साइफर केस देख लें, ये केस देख लें, जितनी जल्दबाजी से बहुत से मामलात किए गए हैं, अब इसके अंदर हक़ दिफा उनका ख़त्म हो गया, लेकिन ये बात अब नैब ने बतानी है, कितने मौके बुशरा बीबी साहिबा को मिले, कितने मौके इमरान खान साहब को मिले, क्या इमरान खान साहब के वकला ने, क्योंकि कल एक वकील साहब हैं उन्होंने कहा
कि जी मैंने ऑर्डर शीट देखी है, इमरान खान साहब को मुतअद्दिद मौके मिले थे साइफर केस के अंदर, उनके वकला को भी, वो डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते रहे, ये उनका वर्जन है। ऑर्डर शीट्स आए बाकायदा तौर पर, अगर तो ये नैब साबित कर पाता है, एहतसाब अदालत साबित कर पाती है, जज मोहम्मद बशीर साहब साबित कर पाते हैं कि जी हमने मुकम्मल मौका दिया जो मुलजमान थे उनको अपना दिफा करने का, और उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए ट्रायल को डिले करने का, तब तो चले किसी हद तक समझ आती है। लेकिन अगर बहुत जल्दबाजी में ये सब कुछ हुआ है तो देखिए इल्ज़ाम अपनी जगह, 14 साल कैद मां मुशक्कत, जुर्माना चलो जी 78 करोड़ रुपया हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं ये सब कुछ कहाँ जा रहा है, 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब मैं आपको इसका एक और बदकिस्मत एलिमेंट बताऊँ, हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त एक ज़माने में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी को सज़ाएँ हुई ना, तो ऐसे जैसे पता नहीं घर में कोई ना जैसे कोई घर की खुशी होती है ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे उसे, ओ जनाब कमाल हो गया फलाना ना अहल, वो कहते हैं ना दबा दबा के बोल रहे थे और आवाज़ बुलंद बोल रहे थे, और मतलब इस हद तक कि यार मैं कहता हूँ कि कमाल ही हो गया कि वो ऐसे लग रहा था कि वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही, वो दिली कोई ख्वाहिश पूरी हुई है अंदर से। यार ये कौन सा काम है करने वाला, आप सहाफ़ी हैं, आपकी तो एक लफ्ज़ से भी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ रिपोर्ट करें उसके ऊपर तजिया दें, या आपको अगर किसी चीज़ पर सवाल उठाना है सवाल उठाएं, ज़ाती एम्बिशंस थे लोगों के। फिर आप देखें कि वो इतनी ज़्यादा उनके अंदर वो एक पर्सनल था कि नहीं फौरी तौर पर हो, और फिर इतनी खुशी का इजहार स्क्रीन पे बैठ के किया जा रहा था कि कमाल हो गया। और ये भी जहन में रखें कि एक वक्त था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, अब आज अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह मुश्किलें आसान इसलिए मैं कहता हूँ कि सबके यार फैमिलीज हैं बच्चे, जब मैं ये बात कहता हूँ आप लोग इतराज़ ना किया करें, मैं बहसियत इंसान ये कह रहा होता हूँ और ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं हर वक्त ये कहता हूँ अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, हम सब गुनहगार हैं और अल्लाह ताला हम सबको माफ़ी अता फरमाए, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। इसको और सेंस में या करीब नहीं, मैं इसको एक और एस्पेक्ट से देख रहा होता हूँ, शायद मेरी बहसियत इंसान मेरे मुँह से निकलता रहता है और मैं चाहता हूँ कि मैं जितने जब तक जिंदा हूँ ये मेरे मुँह से निकलता रहे कि अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, सख्तियाँ दूर फरमाएँ, अल्लाह से माफ़ी तो हम सबको मांगनी चाहिए, हर वक्त मांगनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फवाद चौधरी साहब उनको अब ये जब ये क्लिप्स आप देखिए, यकीन माने आप ये देख कर ना एक दफ़ा सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि यार ये लोग पता नहीं किस मेंटल स्टेटस के अंदर थे। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं, किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं, आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें, हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं। अब ये कहना किसी के माई के लाल में ये नहीं है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई कर सके, आपकी हैसियत क्या है, कर ही नहीं सकते, इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत बांध जाए, ये है वो है। यार इन चक्रों में पड़े हुए थे भाई, अल्लाह ताला को ना रौनक पसंद है ना अल्लाह ताला को बड़ा बोल पसंद है, और मैं उन लोगों को भी कहूँगा इमरान खान साहब मिठाइयाँ खाते फिर रहे थे, वो तस्वीरें हैं आरिफ अलवी साहब खा रहे हैं जी, शफकत महमूद साहब साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब खड़े हुए हैं, और उसके बाद आरिफ अलवी साहब इतना जनाब उनको इमरान खान साहब लड्डू था या गुलाब जामुन था जो भी था वो खिला रहे हैं, और बड़े इमरान खान साहब की भी वो खाते हुए तस्वीरें। यार ये सब कुछ घूम फिर के आता है, मैं उन टी वी चैनल्स की बात करता हूँ, आज तलत हुसैन साहब ने ट्वीट की हुई थी, मुर्तज़ा अली शाह हमारे दोस्त हैं उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि वो बाकायदा तौर पर ARY के अंदर वो चल रही थी, और ऐसे वो एक वो पैकेट चल रहा था, अब वो शायद कॉपीराइट्स का इशू है तो हम जारी बात है वो नहीं चला सकते, वो ट्विटर के ऊपर आप उन ट्वीट्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा देख लीजिएगा, जिसके अंदर ऐसे बताया जा रहा था कि बड़ा ही कोई ज़बरदस्त काम हो गया। और आज भी मैं सहाफ़ियों को जो मेरे कई कोलीग्स हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दीगर जमातें, मैं आज भी कि यार बगलें बजाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का। हाँ मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म किया, नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया, मरियम नवाज के साथ किया, नवाज शरीफ अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आ गए और उनका पीछे से ही उनका इंतकाल हो गया, ये चीज़ मियां नवाज शरीफ को कोई वापस तो नहीं कर सकता ना, वो वक्त तो वापस नहीं कर सकता ना, मरियम बीबी को कोई वक्त वापस कर सकता है कि उनकी वालदा उनके बगैर ही ये जेल में थे तो उनको पीछे से उनका इंतकाल हो गया, वो उधर लंदन में थी उनका इंतकाल, ये वक्त तो वापस नहीं आ सकता भाई, ये तो उस शख्स के साथ था। और मैंने क्योंकि बहसियत साफ़ी बहुत से लोग हम ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो एक था, और उस वक्त भी
ये मैं आपको बता दूं कि जब वो हम खास तौर पर जब हम अबू धाबी से पाकिस्तान की तरफ फ्लाइट चली, तो उस ये वो वक्त था कि जब मियां नवाज शरीफ का और साफियों का, जहां हम सारे थे, तो एक ही कैबिन में मियां नवाज शरीफ बैठे हुए थे, मरियम नवाज शरीफ साहब साथ बैठी हुई थी। मैंने ये वो सारा विटनेस किया अपनी आंखों से, बैसी साफ। आप यकीन करें कि मियां नवाज शरीफ से जितने भी साफी थे सारे को बैठ के बात कर रहा है, को मिल रहा है, को मरियम नवाज शरीफ साहब से मिल रहा है। एक ही बात मरियम नवाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ की मुझे याद है, मैंने उनसे मिला तो होता है ना, मैंने कहा जी मियां साहब जा रहे हैं तो आपका हौसला, उन्होंने कहा जी हौसला ठीक है, मुझे सिर्फ तकलीफ अपनी बेगम की है क्योंकि वो बहुत बीमार है। और एक दूसरा लफ्ज़ क्या था कि जी सब अल्लाह पर छोड़ दिए, अल्लाह पर छोड़ा हुआ है, अल्लाह फैसला करने वाला है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ये जब जहाज लैंड हुआ उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, यही अल्फाज थे आखिरी के, जी सब अल्लाह पर छोड़ दिए। अब इसे आप आज जो अब ये हो रहा है, ये इंसाफ कहें क्या कहें कुछ भी ना कहें, लेकिन मैं तो आज भी कहता हूँ कि अस्तगफार पढ़ना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगे सब कि इस आज के वक्त के ऊपर सेलिब्रेट ना करें बल्कि अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हों। इमरान खान साहब की जमात या बुशरा बीबी साहिबा के लिए आज या इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त है, बिल्कुल ठीक है, मैं कोई यहाँ वो कोई इखलाकी लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन मैं बहसियत इंसान ये ज़रूर कह रहा हूँ कि कोई भी सहाफ़ी जिससे जिसको इमरान खान साहब से शदीद भी चिढ़ा है यार, वो भी आज बगले ना बजाए, आज वो भी इसको सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि ये कोई सेलिब्रेशन के मोमेंट्स नहीं होते पाकिस्तान की तारीख के अंदर, ये ऐसे मौके नहीं है। हाँ, तल्ख रवैये, तल्ख बातें, तल्ख जुमले कभी भूलते नहीं हैं, बड़ी बड़े बड़ा बोल किसी को नहीं भूलता, तो सबको ये बात जहन में रखनी चाहिए। अब आप ये देखिए, ये केस हुआ है, अब दूसरा वो जो निकाह वाला केस है वो भी, उस पर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया है, उसका क्या बनता है इवेंचुअली ये सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन आपको इस बात से अंदाज़ा होना चाहिए कि जो बात मैं आपको कहता रहा, जनवरी का महीना क्यों अहम है, आप देख लीजिए, मैं ये चीज़ आपके सामने रखता रहा। मैंने आपको बाकायदा तौर पर बताया कि एक के बाद एक एपिसोड होगी और 8 फरवरी से पहले बहुत कुछ होगा। ये चीज़ें मैं बहसियत सहाफ़ी देख रहा था, उन नुक्तों को जोड़ रहा था जो खबरें मेरे पास आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, यही मेरा काम है रिपोर्ट करना और उसके बेसिस के ऊपर फैक्ट्स के साथ आपके सामने चीज़ें रखना। ये जो कुछ हुआ है, ये जो क्लिप्स मैंने चलाए हैं, ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये जहन में नक्श रहेंगी और अल्लाह ताला, मैं दोबारा कहूँगा, सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन ये कोई सेलिब्रेशन का दिन कभी भी नहीं। उस वक्त जिन लोगों ने सेलिब्रेशन की, आज उनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया था। इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।